कुछ सदस्यों ने टिप्पणियां करी है, मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। मैं तो सीधा साधा भाषण करने आया था नियमों के अनुसार, मगर राजनीतिक टिप्पणियां कर गई तो मुझे जवाब देना पड़ेगा माननीय अध्यक्ष। हाँ जी, मैं करता हूँ बाद में। ओके ओके बालू जी, रिकॉर्ड पर नहीं है, प्लीज रिकॉर्ड पर नहीं है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड में नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सदस्यों ने टिप्पणियां करी है, मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। मैं तो सीधा साधा भाषण करने आया था नियमों के अनुसार, मगर राजनीतिक टिप्पणियां कर गई तो मुझे जवाब देना पड़ेगा माननीय अध्यक्ष। राजीव रंजन जी ने कहा कि लोकलाज होनी चाहिए, लोकलाज होनी चाहिए। राजीव रंजन जी, लोकलाज बोल आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, और चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए, लोकलाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गठबंधन बना है यूपीए का, ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। बंगाल में माननीय अध्यक्ष जी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लड़ती हैं। हर रोज ममता जी को हमारे अधीर रंजन जी क्वेश्चन करते रहते हैं, मगर बेंगलोर में साथ में बैठेंगे। जेडीयू और आरजेडी, जेडीयू का जन्म ही, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीयू का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ। यूनाइटेड जनता दल तोड़ दिया, वो जेडीयू आज सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में है। जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते थे, वो आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, केरल में, माननीय अध्यक्ष जी, केरल में कम्युनिस्ट कांग्रेस और एलडीएफ और यूडीएफ दोनों आमने सामने थे। माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता के कारण दोनों इकट्ठा आए हैं। सुरेश जी, केरल की जनता इस बार पूछेगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दयानिधि मारन जी को सुना, बहुत पेशन के साथ संविधान की दुहाई दे रहे थे। मारन साहब, आपको संविधान की चिंता नहीं है, एन मन एन मक्कल से आप डरे हुए हो। हमारी जो यात्रा शुरू हुई है, इसने डर खड़ा किया है। माननीय अध्यक्ष जी, शशि थरूर जी ने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, शशि थरूर जी ने कहा कि कांग्रेस, कांग्रेस की सरकार होती या आपकी सरकार होती तो ऐसा करते। भाई, कांग्रेस की सरकार और हमारी सरकार दोनों दिल्ली में रहा था, मगर हमने ऐसा किया ही नहीं था, तो ऐसा करने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। बहुत अच्छे तरीके से चलता था, कोई झगड़ा नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, अभी भी समय है, वोटिंग बाकी है, यही समय है, सही समय है। विचार बदलिए, जनता देख रही है, जनता सब कुछ जानती है कि 9 बिलों में उपस्थित न रहने वाला समूचा विपक्ष आज गठबंधन बजाने के लिए अखाड़े में उतर गया। माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन के अंदर निहित स्वार्थ नीतिक उद्देश्यों के कारण ना भाषण देने चाहिए, ना वोटिंग करनी चाहिए। सदन के अंदर वोटिंग 130 करोड़ की जनता के भले के लिए करनी चाहिए। मैं अंत में फिर से अपील करता हूं कि अभी भी जनता देख रही है, यही समय है मन बदलने का। एक बार मन बदल दीजिए तो शायद जनता यूपीए के पाप माफ भी कर दे। अध्यक्ष जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।